जलियांवाला बाग। नाम सुनते ही हर भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हत्याकांड की चीखों पुकार आज भी जलियांवाला बाग में प्रवेश करते ही मन मस्तिष्क में गूंज उठती है और अंतरात्मा को झिंझोड़ देती है। आंखों के सामने दरिंदगी का भयावह हादसा साकार होता सा प्रतीत होता है, लेकिन ये घटना कैसे घटी? हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या महत्व है? वे कौन लोग थे जो इस मैदान में इकट्ठे होकर अंग्रेजी हुकूमत को ये जताना चाहते थे कि अब इन्हें इस देश से जाना होगा? जलियांवाला बाग केवल एक मैदान ही नहीं, इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कोई भारतवासी भुला नहीं पाएगा। इतिहास के हर दौर में पंजाब के रणबांकुरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। जंग आजादी में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान रहा है। ऐसे कितने ही सूरमा हैं जिनके नाम कभी भुलाए ही नहीं जा सकते। उनकी कुर्बानियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब के प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका और कनाडा जाकर भी देश प्रेम को नहीं छोड़ा। भारतीय क्रांतिकारियों ने वहां गदर पार्टी के नाम से एक सशक्त संगठन बनाया, पत्रिका निकाली, अनेक भारतीय भाषाओं में पत्रिका निकाली जिसका भारत में भी वितरण किया। इस संगठन के सदस्य थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाहकना, दरीसी चेनहिया। प्रथम महायुद्ध शुरू होते ही हजारों गदर पार्टी के मेंबर पंजाब और अन्य प्रांतों में लौटकर देश की आजादी के संघर्ष में तन मन धन से लग गए। अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में सर्वाधिक रोष था। अंग्रेजी फौज में भी इन क्रांतिकारियों ने घुसपैठ कर ली थी। रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में थे, परंतु कुछ देशद्रोही और मुखबिरों की जालसाजी की वजह से क्रांति असफल हुई। कितने ही देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी मारे गए, फांसी पर लटकाए गए, आजीवन कारावास तथा यातनाओं के शिकार हुए। ऐसा ही पंजाब का एक नौजवान था, करतार सिंह सराभा, जिन्हें 1916 में केवल 19 वर्ष की युवावस्था में फांसी पर लटका दिया गया। हमारा देश उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आयरलैंड की श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और इस प्रकार विदेशी मूल की पहली महिला को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सभापति चुना गया और 1916 में कांग्रेस एक संयुक्त पार्टी के रूप में और अधिक मजबूती से स्वाधीनता संग्राम में एकजुट हो गई। उनके प्रयासों से देश में होम रूल आंदोलन ने जोर पकड़ा। एनी बेसेंट के साथ इसका नेतृत्व कर रहे थे तेजस्वी नेता बाल गंगाधर तिलक। सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। 15 जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से देश में गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसके दबाव में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की कि भारत की प्रशासन में सुधार किए जाएंगे। इस घोषणा से भारतवासियों में ये आशा बलवती होने लगी कि अब उनकी स्थिति में सुधार होगा, पर वास्तव में ब्रिटिश सरकार की मंशा कुछ और ही थी। दिसंबर 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजद्रोह समिति की नियुक्ति की, जिसे रॉलेट कमेटी के नाम से जाना गया। जुलाई 1918 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारतीय स्वतंत्रता एक गुंडों का आंदोलन है जो लूटपाट और हत्याएं करता है। ऐसे आपराधिक तत्वों को दबाने के लिए नए कानून बनाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए दो नए कानून प्रस्तावित किए गए, जिनके अनुसार प्रेस पर नियंत्रण रखना तथा गिरफ्तार किए गए भारतीयों को अदालत में पेश किए बिना 2 साल तक कारावास में रखा जा सकता था। न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाकया था, ऐसे कानून का पास किया जाना, वो अपने आप में अंग्रेजी सरकार के किरदार को बहुत बड़े पैमाने पर मंजर आम पे ला रहा था। सारे देश में इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ। जगह जगह जनसभाएं होने लगी। ऐसे वक्त में गांधी जी ने आग्रह किया कि हम पूरी गंभीरता से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि रॉलेट बिल के प्रस्ताव वापस नहीं लिए जाते हैं
तो हम इनका पालन करने से इनकार कर देंगे और साथ ही हम शपथ लेते हैं कि अपने संघर्ष में हम किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस तरह से 1 मार्च 1919 को इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की एक नहीं सुनी और 18 मार्च 1919 को रॉलेट के प्रस्तावों को कानून बना दिया गया और उसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया। 21 मार्च 1919 की बात है, अमृतसर की एक पत्रिका वक्त में एक कार्टून छपा जिसमें ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत को आजादी की सनद देते हुए दिखाए गए थे। मिस्टर रॉलेट अपना बैग खोलते हुए दिखाई देते हैं और उसमें से आजादी की सनद की जगह एक काला नाग भारतवासियों पर छोड़ देते हैं। इस कार्टून को देखकर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आग बबूला हो गया। 30 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई। बाद में 6 अप्रैल का दिन हड़ताल के लिए तय किया गया। पंजाब की जनता बड़े जोशो खरोश से इसमें शामिल हो रही थी। सबसे अधिक जलसे और प्रदर्शन पंजाब में हो रहे थे। पंजाब कांग्रेस लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर ये सब देखकर बौखला गया। सबसे कड़ा विरोध पंजाब के अमृतसर में ही उठ रहा था और इस संघर्ष में अमृतसर से दो नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए, जिनमें से एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, जो व्यवसाय से तो डॉक्टर थे पर तन मन से स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए थे। 29 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जलसा हुआ जिसमें डॉक्टर सत्यपाल ने बड़े स्पष्ट और प्रभावित शब्दों में लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस या सरकार के खिलाफ बिना कुछ बोले हड़ताल करने की अपील की। इसके बाद डॉक्टर किचलू ने कहा कि जंग के दिनों में ब्रिटेन ने भारत की वफादारी की सराहना की थी और इसीलिए सुधारों की भी घोषणा की थी। हम वैसा ही होम रूल चाहते हैं जैसा ब्रिटेन के अन्य शासित राज्यों में पाया जाता है। अगले दिन यानी 30 मार्च 1919 को पूर्ण रूप से हड़ताल थी। शाम 4:30 बजे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें 40,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। उसी दिन दिल्ली में भी हड़ताल हुई। कुछ स्वयंसेवक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वे चाहते थे कि रेलवे रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो जाएं, लेकिन वे नहीं माने और इस विवाद ने झगड़े का रूप धारण कर लिया। बात बढ़ गई। कुछ ही देर में रेलवे पुलिस भी पहुंच गई और भीड़ पर गोलियां चला दी जिसमें 8 आदमी मारे गए। उसी शाम दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा हुई। स्वामी श्रद्धानंद उसके प्रधान थे। पुलिस वहां भी पहुंची पर स्वामी जी के विश्वास दिलाने पर कि शांति भंग नहीं होगी, पुलिस वहां से हट गई। अगले दिन 31 मार्च 1919 को दिल्ली में एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में उन मृतकों की अर्थी निकाली गई जो पुलिस की गोली का निशाना बने थे। दिल्ली की घटनाओं ने जनता को उद्वेलित कर दिया। 6 अप्रैल को फिर हड़ताल होनी थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पर पाबंदी लगा दी कि वे किसी भी सभा में भाषण नहीं दे सकते। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पक्षधर लोगों के द्वारा ये खबर फैलाने की कोशिश की कि 6 अप्रैल को हड़ताल नहीं होगी। उस वक्त एक जगह पर क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था जहाँ हजारों दर्शक मैच देख रहे थे। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल वहां पहुंचे और दर्शकों के पास जा जाकर उन्हें सूचित कराए कि 6 अप्रैल को हड़ताल अवश्य होगी। 6 अप्रैल को हड़ताल सफल और शांतिपूर्ण रही। अमृतसर में यदि शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ था तो उसका एक मुख्य कारण हिंदू मुस्लिम एकता थी। एकताबद्ध राष्ट्र की भावना लोगों को बांधे हुई थी। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का पर्व था। अंग्रेज गवर्नर के पास खबर पहुंची कि रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। फिर भी उसने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजने का फरमान सुना दिया। उसे उम्मीद थी कि उसकी इस कार्यवाही से अमृतसर के लोग भड़क जाएंगे और उसे मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। 13 अप्रैल के लिए भारी संख्या में फौजी टुकड़ियां मंगवाने का भी प्रबंध कर लिया था। जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही
कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को दुकानें बंद करके एचएसएन पार्क में इकट्ठा होने का आग्रह करने लगे। 11 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा सख्त कानून लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार किसी भी अर्थी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते थे। जुलूसों और सभाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। शाम को ब्रिगेडियर जनरल डायर, जो जालंधर ब्रिगेड का कमांडर था, अमृतसर पहुंच गया और अगले दिन यानी 12 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने 125 अंग्रेज और 310 भारतीय सैनिकों के साथ शहर में मार्च किया। शाम 4 बजे हिंदू सभा हाई स्कूल में एक मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि अगले दिन जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा होगी, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की तरफ से आए हुए पत्र पढ़कर सुनाए जाएंगे। मीटिंग में आह्वान किया गया कि जनता ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहे। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनके प्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल रिहा नहीं कर दिए जाते। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उस दिन उस पर्व का माहौल कुछ अलग ही था। सरकार की तरफ से ये घोषणाएं की जा रही थी कि अमृतसर का कोई भी नागरिक बिना पास के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता, कहीं भी 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और जरूरत हुई तो फौजी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वो मशीन गनों से लैस 2 मोटर गाड़ियां लेकर आया था। जलियांवाला बाग के भीतर घुसने की केवल एक तंग गली ही थी जिसमें गाड़ियां नहीं ले जाई जा सकती थीं। बाग में आने जाने का और कोई रास्ता न था। डायर अपने फौजी दस्तों के साथ बाजार की ओर से बाग में दाखिल हुआ और बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां कुछ मिनट पहले शांतिपूर्ण ढंग से जलसा चल रहा था, वहां चीखों पुकार मच गई। 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जगह जगह लाशों के ढेर पड़े थे। इस हादसे के उपरांत भी डार ने खुले शब्दों में कहा था, मैं हिंदुस्तानियों के दिलों में मॉरल इफेक्ट यानी नैतिक असर पैदा करना चाहता था कि सरकार की मुखालफत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस घटना ने एक बालक के मन को झंझोर कर रख दिया और उसने इस घटना का बदला लेने की ठान ली। 13 मार्च 1940 के दिन ऊधम सिंह ने लंदन के कैकस्टन हॉल में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जून 1940 को ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग की दास्तान हर भारतवासी के दिल को झंझोड़ गई। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो इस जलसे की सदारत करने वाले थे, अंग्रेजी हुकूमत ने कैद किए रखा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक धर्मनिरपेक्ष और सच्चे देशभक्त नेता थे। धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिली थी। सैफुद्दीन किचलू के परदादा पंडित प्रकाश वीर किचलू ने सूफीवाद से प्रभावित होकर स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया। उनका परिवार व्यापार के सिलसिले में कश्मीर की हसीन वादियां छोड़कर अमृतसर में आकर बस गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में अमृतसर में हुआ। इनके पिता अजीजुद्दीन किचलू और माता जाम बीबी किचलू थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे आगरा तथा अलीगढ़ गए। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ तथा जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने शिक्षा विदेशों में हासिल की, लेकिन अपने देश प्रेम की वजह से भारत आकर वे अपने लोगों की खिदमत में जी जान से लग गए। भारत में आकर उन्होंने वकालत शुरू की और अमृतसर के जाने माने वकील मियाँ हफीजुल्ला की बेटी सादत बानो से निकाह किया और उसके साथ साथ डॉक्टर किचलू स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। वे समाजवादी विचारधारा, गरीब और मजदूरों के पक्षधर थे। उस जमाने में अमृतसर म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव नहीं होते थे।
अंग्रेजी हुकूमत अपनी मर्जी से किसी को भी कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर देती थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया और इसके लिए चुनाव कराने के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत को इलेक्शन करवाने के लिए मजबूर कर दिया। पहले चुनाव में ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विजयी हुए और अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए और इस तरह से अमृतसर में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। अमृतसर की आवाम अपने इस प्रिय नेता की प्रशंसा कुछ इस तरह से किया करती थी। किचलू सख्त सिपाही सत्यापाल दा पाई इनु लाड पंजाब बनाना में जो आ गया इस लहर में वो सब फकीर है, गांधी हमारा बाबा किचलू भी की। 1921 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के आरोप में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आवाम को भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर किचलू को जगत गुरु शंकराचार्य, अली बंधु और हुसैन अहमद मदानी के साथ कराची जेल में रखा गया। वहां से रिहा होने के बाद डॉक्टर किचलू ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए। 1924 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर किचलू पंजाब और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 48वें जलसे में उन्हें स्वागत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। गरीबों के मसीहा और सच्चे देशभक्त डॉक्टर किचलू जितने सच्चे मुसलमान थे उतने ही अच्छे क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेक इंसान भी थे। क्रांतिकारी विचारधारा वाले होने की वजह से भगत सिंह तथा उनके साथियों पर वे खास तौर पर मेहरबान रहते थे। भगत सिंह के नजदीकी साथी बाबा खड़क सिंह को राजनीति में लाने वाले डॉक्टर किचलू ही थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन रखा जिसे डॉक्टर किचलू ने सेकंड किया। आजादी की संभावनाएं बलवती होने लगी थीं। सभी सांप्रदायिक ताकतें मुल्क के टुकड़े करने पर आमादा थीं। डॉक्टर सैफुद्दीन जैसे सच्चे देशभक्त को बंटवारा मंजूर नहीं था। और देश आजाद हुआ। डॉक्टर किचलू को सत्ता की राजनीति रास नहीं आई। डॉक्टर किचलू हिंदू मुस्लिम एकता के सच्चे हिमायती थे। वे कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी फिरका दूसरे पर भारी पड़े। आजादी के बाद डॉक्टर किचलू राजनीति से हटकर विश्व शांति के कामों में जुट गए और शांति के इस मसीहा को 1952 में सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ ने स्टालिन अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार से नवाजा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि शांति के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और मुझे फख्र है कि अवार्ड एक हिंदुस्तानी को विश्व शांति के लिए दिया जा रहा है। मैं अपने देशवासियों के नुमाइंदे के रूप में इस अवार्ड को सर माथे से लगाता हूं और इस तरह से शांति का मसीहा अपने जीवन के अंतिम समय तक आवाम की खिदमत में जी जान से लगा रहा। 1963 में शांति का सिपाही गरीबों का मसीहा निश्चल निस्वार्थ देशभक्त अपने वतन की मिट्टी में विलीन हो गया। अमृतसर के किचलू चौक पर लगी उनकी प्रतिमा यहाँ की आवाम को उनके देशभक्त और उनकी निस्वार्थ सेवा का आभास कराती है। कृतज्ञ देश ने इनकी शान में एक डाक टिकट जारी किया। विद्यार्थी आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर किचलू का सबक पढ़ते हैं। डॉक्टर किचलू जैसा व्यक्तित्व किसी भी कौम की शान होता है। शांति के पुजारी और जलियांवाला बाग के हीरो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।